यूं तो राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोध में जो प्रदर्शन करते हैं उसका परिणाम अहिंसात्मक होता है, परंतु छत्तीसगढ़ में पहली बार मंत्री अमर अग्रवाल के घर कचरा फेंककर विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ कांग्रेसियों के नाम का उपयोग कर पुलिस ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में घुसकर सभी कांग्रेसियों की जमकर धुलाई की। इसके विरोध में ब्लॉक 6 युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुतला जलाकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले नगर निगम भिलाई के वार्ड 59 रिसाली के कांग्रेस के पार्षद चुम्मन देशमुख से पूरब टाइम्स ने बातचीत की। आज दुर्ग भिलाई के कांग्रेसियों ने बिलासपुर में पुलिस द्वारा कांग्रेसियों के साथ की गई ज्यादती के विरोध में पुतला जलाए। आइए हम मिलते हैं यहाँ पर पुतला दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए एक बुद्धिमान नेता से। आप मुझे बताएंगे कि पुतला आप लोगों ने राजनीतिज्ञों का जलाया, जबकि ये कार्रवाई जो थी ये पुलिस के द्वारा की गई थी, ऐसा क्यों है? देखिए, वो बिलासपुर में एक सांदर्भिक टाइप का जो आंदोलन कर रहे थे उस जगह पे मंत्री अमर अग्रवाल के घर के पास, तो उस जगह पे पुलिस वाले को वहां कार्रवाई करना था। वो ना जाके वहां कांग्रेस पार्टी के जो भवन है उस पर अपना विचार रख रहे थे, वहां पे पुलिस वाले जाके महिला और कार्यकर्ताओं को बर्बरता से मारा, इसी का हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। तो लेकिन पुलिस ने मारा, आपने नेताओं का पुतला दहन किया? ये पुलिस एक बिलासपुर के जो है मंत्री के इशारे पे काम कर रहा है, अगर वो अपने विवेक से काम करता तो वो इस टाइप का हरकत ना करते। तो अब आप लोगों की रूपरेखा या कार्य योजना क्या है? हमने तो आज मंत्री अमर अग्रवाल का और मुख्यमंत्री रमन सिंह का पुतला दहन किया है, और वो पुलिस पे जो बर्बरता से पुलिस लोग कार्यकर्ताओं को मारे हैं उनके गिरफ्तारी हो और उनके पर दंडित कार्रवाई भी कर रहे हैं।